कॉमेडी के सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव को 13 दिनों से नहीं आया होश। कार्डियो और न्यूरो कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव का इलाज। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर उनके परिवार समेत तमाम फैंस चिंतित। राजू श्रीवास्तव की सलामती के लिए इस वक्त पूरा देश कर रहा है दुआ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर उनके परिवार समेत तमाम फैंस चिंतित हैं। राजू श्रीवास्तव की अच्छी सेहत के लिए परिवार वाले और कॉमेडियन के तमाम फैंस दुआएं कर रहे हैं। पिछले 13 दिन से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, साथ ही उन्हें अब तक होश भी नहीं आया है। हालांकि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत स्थिर बनी हुई है। एम्स के डॉक्टर अब भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि उनका ब्रेन ऑक्सीजन के सहारे धीमे धीमे अपनी नई सेल्स का निर्माण कर खुद को थोड़ा ठीक कर पाएगा। ये प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, इसलिए होश में आने में अभी 2 हफ्ते से ज्यादा का समय भी लग सकता है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में राजू श्रीवास्तव हैं। राजू श्रीवास्तव का पूरा परिवार हर वक्त उनके अस्पताल में ही मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने किसी को भी उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था। उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव को भी आईसीयू वार्ड में उनके पास जाने से रोक दिया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि राजू श्रीवास्तव के शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण फैले। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार होने से जहां उनके फैंस और परिवार को थोड़ी राहत मिली है, वहीं एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इसके बाद से राजू श्रीवास्तव के परिवार को उनकी और चिंता हो रही है। एक अनजान शख्स आईसीयू में चला गया और राजू श्रीवास्तव के साथ सेल्फी लेने लगा। इस अनजान शख्स को देखकर राजू श्रीवास्तव का परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया है। इससे पहले राजू श्रीवास्तव के खास दोस्त शेखर सुमन सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ के बारे में फैंस को बताते रहते हैं। वो ट्वीट करके उनकी हालत के बारे में फैंस को बताते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि राजू के परिवार के मुताबिक उनके शरीर के अंगों ने ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर दिया है, हालांकि वो अभी भी बेहोश है। डॉक्टरों का कहना है कि कॉमेडियन की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। सब महादेव की कृपा है, हर हर महादेव। बता दें कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद कॉमेडियन को तुरंत ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया है।